जी और फिर आपकी मल्टी डायमेंशनल आपकी पर्सनैलिटी आपकी मुख्तलिफ मतलब जिस तरह भी एंटर हुए तो पेंटिंग्स आर्ट फिर उसके बाद ड्रामा सेंसिटिविटी ये चीज़ें आपके ड्रामों के अंदर भी अमूमा जिस तरह भी आप एग्जाम्पल भी दे रहे थे उसकी अमूमा नज़र आती हैं आपके ड्रामे के अंदर हमें ये जो इमेजिनेशन है ख़ासतौर पर या सेंसिटिविटी या क्रिएटिविटी ये नज़र नहीं आ रही मेरे वही बुनियादी क्वेश्चन वही है कि वो ड्रामा हम आपको अभी भी इनके मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा बेहतर डायरेक्टर हैं या राइटर हैं या एक्टर्स हैं वो तो कोशिश करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ ना हो या अगर हो भी तो बहुत कम से कम हो. यकीनन ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो बेहतर काम कर रहे होंगे. अब चूंकि स्क्रीन्स पे शोर शराबा इतना है कि बाज़ औक़ात बड़ी अच्छी चीज़ भी आपसे बिल्कुल आपकी नज़रों से ओझल हो जाती है. उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ जो जिसकी तशहीर ज़्यादा हो रही हो वो सबको नज़र आ रही होती है और ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ जो तशहीर के बाद नज़र आती है सबको वो अच्छी भी हो. इस तरह अब कल का देखा हुआ ड्रामा आज भूल जाता है. आप लोगों के 20 साल पहले के ड्रामे भी हमें आज भी याद हैं, वो कैरेक्टर्स भी याद हैं, वो बातें भी याद हैं. ये चीज़ असल मुझे जो मेरा बात मेरा ख्याल है बात रेलेवेंस की है. जी कैरेक्टर भी अगर रेलेवेंट होगा रेलेवेंट तरीके से तख्लीक किया गया कैरेक्टर जो होगा वो अपनी तमाम तफसील कम वक्त में भी बयान कर सकता है. इररेलेवेंट कैरेक्टर आपके सामने को दो दो घंटे हो उसका कोई असर नहीं होता है. हर देखने वाला जो है ज़ाहिर है वो सोचता है कि यार ये क्या है, ये चीज़ जो मैं देख रहा हूँ इसकी हकीकत क्या है, ये हमारे गिर्द पेश के कैरेक्टर्स हैं या नहीं, और फलाना मोड़ जो है कहानी का वो ऐसे हो सकता था या नहीं. तो आप ऑडियंस को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते हैं. चॉइसलेसनेस की वजह से वो हर चीज़ देख रहे होते हैं या जो भी चीज़ सामने आ जाए वो देख रहे होते हैं, वरना कोई भी जी होश जो है वो इस तरह की बेढंगी चीज़ें जो है वो पसंद नहीं करता है. मेरा तो यही नज़र जो आपके ड्रामों में सेक्सुअल टच होता था या खुद अब भी मौजूदा ड्रामों में भी है जो एक एवरलास्टिंग इम्पैक्ट आ रहा है, ये मौजूदा ड्रामों में चीज़ नज़र नहीं आ रही. क्या मैं ठीक के साथ मैं फिर उसी तरफ जाऊंगा कि देखना ये होगा कि लिखने वाला कौन है. वो जिंदगी को या आर्ट को किस तरह से देखता है लेता है. प्रोफेशनलिज्म से कमर्शियलिज्म की तरफ जिस तरह दुनिया चली गई है फ्यूचर में हमारा जो ये लिटरेचर है आर्ट है ये इसका कोई लग रहा है आपको है फ्यूचर? देखें आर्ट या कल्चर या लिटरेचर जो है उसे ख़त्म तो कभी नहीं होना है. जब तक इंसान है दास्तान गोई या स्टोरी टेलिंग चलती रहेगी किसी न किसी फॉर्म में. शक्लें बदलेंगी लेकिन इंसान जो है वो दास्तान अपनी ज़रूर सुनाएगा, अपनी कहानी ज़रूर सुनाएगा. हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, लिहाजा स्टोरी टेलिंग जो है वो ख़त्म नहीं होगी. स्टोरी टेलिंग की बेशुमार शक्लें, पेंटिंग भी है, डांस भी है, म्यूज़िक भी है, ड्रामा भी है, तहरीर भी है. लास्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के एज ए आप एक्टर एज ए डायरेक्टर एज ए सिंगर म्यूजिशियन पेंटर और भी बहुत से हैं, आप बिजाते खुद आपको इनमें से कौन सी चीज़ मज़ा आता है ज़्यादा काम करने में? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा हकीकत ये है म्यूज़िक में आता है जो मैं कर नहीं पाया हूँ. बतौर पेंटर या स्कल्प्टर तो मेरी एक जगह है, मतलब वो पाकिस्तान भी जानता है और दूसरे मुल्कों में भी. लेकिन म्यूज़िक जो मैंने थोड़ा बहुत किया है जितना भी किया है उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा है. अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूज़िक की तरफ दोबारा आ जाऊँ और आजकल मैंने कोई रियाजत वगैरह भी शुरू की है. जी ये सारी असनाफ बड़ी ज़बरदस्त है, सिनेमा म्यूज़िक थिएटर, कोई नेमल बदल नहीं है दूसरे का भी. थैंक यू.
लेकिन हम बतौर आपको जो ना अदाकार आ गया हमारे सामने ये जो हाँ वो बतौर अदाकार मैं ज़्यादा विजिबल रहा हूँ ना, विजिबल भी और एक परफेक्शन भी, आप तो खुद तो नहीं इस चीज़ का इकरार कर फरमा रहे, लेकिन ये है कि मैंने देखा है कि जो परफेक्ट एक्टर्स पाकिस्तान में हम लोगों ने 4-5 देखे सफ़े अवल के, अच्छा उनमें से आप देखे, बड़ी मेहरबानी है अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। लिटरेचर का एज ए क्रिटिक हूँ, ड्रामे का क्रिटिक हूँ जी, तो मैं एक बिल्कुल न्यूट्रल सा आपको दे रहा हूँ आपकी बड़ी आप बड़े जनरस हैं, वरना मैं हकीकत ये है कि मैं अपना कोई ड्रामा देख नहीं सकता हूँ।